हेलो गाइस, टेस्टी होम कुक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ राजस्थान और इंदौर की फेमस रेसिपी दाल बाफला। लेकिन आज हम सिर्फ बाफला बनाना बताने वाले हैं आप लोगों को, और एकदम नए तरीके से मैं आपको बताऊंगी, जिसमें कोई भी आपको ज़्यादा झंझट नहीं लगेगी। और इस बाफले को आप चोखे के साथ, चाय के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। ये सभी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। स्नैक के तौर पे भी आप इस बाफले को सर्व कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधी कटोरी सूजी, ताकि बाफला क्रंची बने। साथ में लिया है मैंने यहाँ पर एक कटोरी बेसन, तो मेज़रमेंट का आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है दो कटोरी गेहूं का आटा। गेहूं का आटा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि बाफला जो है हेल्दी रहे, और आप इसे अगर पेट भर खा लेते हैं तो डाइजेस्ट होने में आसानी हो। क्योंकि बेसन का अगर आप अकेले बाफला बनाते हैं ना, वो बहुत हैवी हो जाता है और फिर जो है उसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। उसके बाद आप यहाँ पर ऐड करना एक चम्मच अजवाइन, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और पाचन शक्ति भी बहुत ही बढ़िया रहती है। फिर यहाँ पर मुझे जो है ना बाफले में सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हो एक चम्मच, या फिर आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐड करना इसमें नमक, तो नमक आप स्वाद अनुसार ऐड करना। मैंने आधा चम्मच लगभग इस्तेमाल किया हुआ है। पहले सूखा सूखा अच्छे से आप मिक्स कर लेना। फिर इसमें आप डालना 3-4 चम्मच सफ़ेद वाली तिल। बाफले में तिल का टेस्ट बहुत ही बढ़िया और एकदम क्रंची टेस्ट आएगा। ताकि आप इसे स्नैक के तौर पे सर्व करें या फिर चाय के साथ आप सर्व करते हैं ना, तो सभी को बहुत अच्छा लगेगा खाने में। साथ में डालना 1 चम्मच हल्दी पाउडर। वापस फिर से एक बार मिक्स कर लेना। अब मोवन के लिए यहाँ पर डालना आप 3-4 चम्मच रिफाइंड ऑयल। कुछ लोग घी पसंद करते हैं तो घी इस्तेमाल कर सकते हैं मोवन के लिए। साथ में डालना आप यहाँ पर 5-6 चम्मच दही। दही डालने से बहुत ही बढ़िया जो है ना खट्टा फ्लेवर आएगा, तो बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा खाने में। अच्छे से सभी चीज़ों को पहले करना मिक्स, और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए डो तैयार करना। तो ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो हमें तैयार करना नहीं है, और बहुत ज़्यादा जो है ना आटे की जैसे गूंथना नहीं है। हमें एकदम नॉर्मल जो है डो तैयार करना है, कि बस जो है अच्छे से इकट्ठा हो जाए। देखिए, मैंने इसे बहुत ज़्यादा जो है ना मैश नहीं किया हुआ है, बस इकट्ठा हो गया है अच्छे से और काफ़ी जो है कड़ा खाइए। तो अब इसे हम जो है 4-5 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। तो साइज़ यहाँ पर आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बड़े बड़े साइज़ की बना रही हूँ, तो मैं जो है डो को 4 भाग में डिवाइड कर लेती हूँ। अब इसे हमें जो है चिकना करके एक बड़ी लोई तैयार कर लेनी है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने इसे जो है बनाया हुआ है। इसी तरीके से आप सारे डो को चिकना करके और बड़ी लोई तैयार करना। फिर इसे हमें पानी में पकाना है। तो पानी में पकाने के लिए आप पहले से पानी गर्म होने के लिए रख देना, और गैस का फ्लेम हाई रखना ताकि पानी अच्छे से गर्म हो। जब पानी अच्छे से गर्म रहेगा, उबाल हल्का हल्का सा आने लगेगा, फिर आप इसमें जो है सारी लोई को उठा करके डाल देना बॉयल होने के लिए। और इसे बॉयल होने में ना 8 से 10 मिनट लगेगा। गैस का फ्लेम मीडियम रखना, और आप चाहें तो इसे बीच में मिक्स कर सकते हैं। तो मिक्स करते समय ध्यान रखना कि हमें कलछी से नहीं मिक्स करना है, हमें बेलन से मिक्स करना है, ताकि जो है ये टूटे नहीं। कई बार बर्तन में चिपका हुआ होता है और आप कलछी से मिक्स करते हो ना, टूटने लगता है। 10 मिनट के बाद देखिए ये पक चुका है। इसे हम जो है पानी से बाहर निकाल करके ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो आप इसे फैन के नीचे रखिएगा ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और जल्दी ठंडा हो। जब आप देखो कि दोनों तरफ से जो है ना अच्छे से ये ड्राई हो गया है, मतलब सारा पानी इसका निकल चुका है। कुछ इस तरीके से देखिए, कलर भी डार्क हो गया है और पानी भी निकल चुका है। अब जो है हमें इसे भूंजना है। तो भूंजने का सही तरीका तो इसे जो है कंडे में या फिर जो है कोयले में भूंजा जाता है, लेकिन अब आजकल हमारे पास कंडा और कोयला अवेलेबल नहीं होता है, तो इसे मैं गैस में ही भूंज लेती हूँ। गैस में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पर पारंपरिक तरीके वाला टेस्ट तो नहीं आता है भाई। तो बस आप इसे जो है जाली के ऊपर इस तरीके से रख करके और घुमा घुमा के सेक सकते हो, जैसे मैं सेक रही हूँ। तो मैं जब भी जो है ना बाफला बनाती हूँ, तो इसी तरीके से सेक करके बनाया करती हूँ, और मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। सिंपल है, कोई झंझट नहीं लगता है। जब आपका मन हो खाने का तो आप बना सको, इसीलिए मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे भूंजा हुआ है।
इसे भूनने में 8 से 10 मिनट का टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम लो फ्लेम पे इसे भूनेंगे ना धीमी धीमी आँच में। उसके बाद इसे हमें जो है कट करना है। तो इस तरीके से आप जो है पतले पतले स्लाइस में इसे कट कर सकते हैं, तो ये देखने में अच्छा लगता है और एक एक उठा के खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आप चाहें तो ऐसे ही इसे देसी घी में डिप करके और दाल या फिर चोखे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आज इस वाफले को हमें जो है स्नैक के तौर पे सर्व करना है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक और तरीका बताती हूँ, जिससे कि ये बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। तो आप ऑयल गर्म होने के लिए रख देना। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे और अलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे। फ्राई करने में भी 6-7 मिनट का टाइम लगेगा। जैसे ही आप देखें कि डार्क कलर हो चुका है, जो हमने तिल इस्तेमाल किया है ना, तिल जो है वो वाइट वाइट अलग अलग सी दिखने लगी है और काफ़ी जो है क्रिस्पी दिखाई दे रहा है। देखिए कुछ इस तरीके से, कल से उठा के दिखाती हूँ मैं, ये देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रहा है ना, एकदम लाल लाल क्रिस्पी। अब इसे ऑयल से बाहर निकाल लेना और जो बचा हुआ है ना उसे भी इसी तरीके से फ्राई कर लेना। और गर्मा गर्म आप इस वाफले को चाय के साथ, चटनी के साथ या फिर जो है स्नैक के तौर पे सर्व कर सकते हो। इसे आप चाहें तो 1-2 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये नया तरीका पसंद आया होगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी में। बाय गाइज़।